और पहले अपडेट के साथ आपको मैं बता दूं, जमीन जिहाद की खबर दिखाने पर जी न्यूज एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी पर एफआईआर पर पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने सवाल उठाए हैं। हरीश सालवे का कहना है कि जो हर पत्रकारों को किसी मामले पर अपना नजरिया पेश करने का हक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब हर नजरिए को रखने का हक है, ये बात हरीश सालवे ने कही है। खबर के खिलाफ कानूनी दाव पेच कानून का गलत इस्तेमाल करना है और धारा 295A किसी पत्रकार को नहीं लगाया जा सकता, ये भी जानकारी उन्होंने दी है, महत्वपूर्ण जानकारी। पत्रकार पर 295A लगाकर पत्रकारों की आवाज बंद नहीं कर सकते, सॉलिसिटर जनरल हरीश सालवे ने ये बड़ी बातें कही। कानून था जम्मू एंड कश्मीर में जिसके तहत कुछ लोगों ने अपने फेवर में प्रॉपर्टीज ट्रांसफर की, ये भी फैक्ट है। तो ये सब मामलों पे कमेंट करना एक जर्नलिस्ट का हक बनता है, किसी भी भारतीय नागरिक का हक बनता है। ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं कि जो हमको सुनने में चीज अच्छी लगे वो अलाउड होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि हर नजरिए को पोट्रे करने का, हर नजरिए को आगे रखने का हक एक भारतीय नागरिक को है, भले आपको पसंद आए भले आपको ना पसंद आए। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द राइट टू अनॉय पीपल, इट इज नॉट द राइट टू ह्यूमर पीपल, इट्स द राइट टू अनॉय पीपल। तो अगर आपको बुरा लग रहा है तो भाई वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप उसका जवाब दीजिए, पर उसके खिलाफ इस किस्म के कानूनी दाव पेश लगाना प्रेशर करने के लिए ये कानून का अब्यूज है। सेक्शन 295 न्यूज पे कभी लागू ही नहीं हो सकता। या तो आप कहें कि भाई झूठी न्यूज है, जैसे कोई अगर झूठी खबर फैलाए कि कहीं कम्युनल रायट हो गया, जो कोई रायट नहीं हुआ हो और वो इसलिए फैलाए कि वो खुद कम्युनल रायट शुरू करवाना चाहे, तो उसको आप 295 ए लगाए तो बात और है, वरना एक टीवी पे, टीवी न्यूज़कास्ट पे एक जर्नलिस्ट अगर कुछ इंसिडेंट्स हुए जो पथराव के और कुछ अदर मैटर्स जो हैं उस पे अगर न्यूज़ कवर कर रहा है और उसके अगर कम्युनल ओवरटोन्स हैं तो वो ज़रूर आएंगे, उसको आप 295A लगा के किसी की आवाज बंद नहीं कर सकते। देश में अगर कुछ फॉल्ट लाइंस हैं तो लोगों का हक बनता है कि वो फॉल्ट लाइंस पे अपनी कमेंट करें। हर इंसान से हमको ये उम्मीद है, खास करके बड़े चैनल से, कि वो जो करेंगे वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करेंगे। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी राज्य सरकार को लगे कि ये एक पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन जो है वो उनके पसंद का नहीं है, तो कोई ना कोई ढूंढ के आईपीसी में से कोई ना कोई धारा निकाल के केस शुरू कर दें। ये आईपीसी का अब्यूज है और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का अब्यूज है। कुछ दिनों पहले अभी इस किस्म का ही केस सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया अर्नब गोस्वामी के खिलाफ, वो केस चल रहा है, उस पर मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि वो केस अब मंडे को लगाया और मैं अर्नब गोस्वामी के लिए अपियर होने वाला हूँ। पर ये एक जो नई ट्रेंड शुरू हो रही है कि जो जर्नलिस्ट खिलाफ हम किसी के खिलाफ कवर करें, किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करें, तो उनको क्रिमिनल केसेस में उलझाओ। और ये एक और पॉइंट कि ये केरला में कैसे एफआईआर दर्ज हुआ, ये एक वैलिड पॉइंट है, इससे भी उसके बोनाफीडीज पे एक जरूर एक उंगली उठती है। तो ये जो मैंने न्यूज क्लिप देखी है उसके बेसिस पे अगर एफआईआर लॉन्च किया है तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये तो क्लियर एक अब्यूज है, क्रिमिनल लॉ का अब्यूज है और ये फंडामेंटल राइट, फ्री स्पीच का जो राइट है उसका भी एक अब्यूज बनता है। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.